इसका पासपोर्ट भी मिल गया, ये रहा, ये फॉर्म भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खुश है? अभी खुश है भाई जान। अभी खुश है ना? अभी मुश्किल नहीं? हाँ अभी जाने का था, खाला ठीक है तो इसका। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आपका भाई अज़र खान। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ना, ये भाई के साथ जा रहा हूँ। भाई अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ताजिकिस्तान, दुशांबे सिटी। दुशांबे सिटी कैपिटल? कैपिटल हाँ। कैसा है अभी? अभी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ना एक माह हो गया दुबई से आया भाई जान, इधर अभी इकामा हो गया भाई जान। अभी दोनों जाएगा इकामा पक रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 7000 खर्चा किया आई डी में। 7000 खर्चा? दो साल का वीज़ा के लिए। हाँ आएगा जाएगा प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, खाली टिकट, खलास टिकट पक रहेगा जाएगा। भाइयों जैसा आपने सुना, ये मेरा भाई जो है ना मेरे साथ ही रूम में रहता है, ताजिकिस्तान से है, तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं, साथ में खाना बनाते हैं और साथ में खाते भी हैं और घूमते भी हैं। तो ये अपना काम करता है, तिजारत बोलते हैं, जैसे तिजारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तिजारत बोलते हैं, इधर से लेना उधर बेच देना। तो अभी इस भाई ने एक एजेंट को वीज़ा बढ़वाने के लिए, मतलब खुद का वीज़ा लगाने के लिए पासपोर्ट दिया था। तो वो तकरीबन लेते हैं उसके 7000-8000 दरम लेते हैं, हो गया 140000 रुपये के आसपास ऐसा लेते हैं। तो वो खुद का वीज़ा लगा देते हैं, अपना काम तुम कर सकते हो उसमें, फिर तुम कभी भी दुबई आओ कभी भी जाओ कोई मुश्किल नहीं है। वो वीज़ा इसलिए हो जाता है, 2 साल का मिल जाएगा, इसलिए दिया था। तो अभी क्या हुआ, अभी घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, भाई की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वापस घर जा रहा है, वो वीज़ा बाद में लगवाएगा। तो अभी एजेंट के पास जा रहा है, थोड़ा आनाकानी कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता ये नहीं होता, तो वही जाके देखेंगे अभी। इंशाल्लाह इसका पासपोर्ट मिल जाए, घर चला जाए सही सलामत, बाद में आएगा वापस सब कराएगा। तो अभी वही जाके देखते हैं, अभी बोर्ड से जाएंगे हम। ये सामने देखो आप मेरे, ये जैसा बोट है इसी से हम जाएंगे, वो एक दरम वाली जो वीडियो दिखाई थी आपको, वो उस बोट से हम जाएंगे यहाँ से, और फिर बड़ दुबई पहुँच के फिर एजेंट के ऑफिस जाएंगे, देखेंगे क्या बात होती है, क्या वो कहता है, क्या मसला हल होता है नहीं होता, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा मैं। तो भाई ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे घर जाना है। और जो भाई इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरे यार दोस्त इसको देख रहा है, हाँ भाई कैसे हो? दुबई में हुआ अभी 20 दिन। अच्छा व्लॉग बनाने आए हो खाली? हाँ। क्या नाम है पेज का? नोमैडिक अज़र। नोमैडिक अज़र हाँ। अपलोड करोगे ना? हाँ करूँगा। एंजॉय योरसेल्फ। ओके ओके। तो मैं क्या कह रहा था, ये मेरा भाई जो है ना, ये ताजिकिस्तान वाला, ये इसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, ये भाई कह रहा है दुआ के लिए, दुआ करो भाई इसकी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। इसको बोलो ईरान का कार्गो है, किश्ती कार्गो, ईरान का, ईरान का माल है, ईरान जाएगा दुबई से। क्या ये किश्ती ईरान का है भाईजान? ये कार्गो है, ये जो ये माल तुम देखते हैं ना वीडियो का, ये ईरान जाएगा दुबई से। दुबई से ईरान जाएगा सारा माल? इधर पूरा चीज है भाईजान, ये सब दुबई से ईरान जाएगा। हाँ दुबई से ईरान जाएगा। तुमको कौन बता रहा था? तुमको कौन बता रहा था? इधर 6 साल हो गया। 6 साल हो गया आते जाते? अभी क्वारंटाइन में अभी चालू हो गया, अभी काम करते। अच्छा। मेरा 1 साल उसमें क्वारंटाइन दिया, ईरान गया ये किश्ती, ईरान गया। तो ये सारा जो माल पड़ा था पीछे, ये बोल रहा है कि भाई ये सब ईरान जाएगा, मेरे को मालूम है क्योंकि मेरे को 6 साल हो गया यहाँ पे आते जाते ना। अब आ गया हूँ मैं बोट की तरफ, एक तरफ में सेम अपने को बड़ दुबई लेके जाएगी, ये ओल्ड दुबई बोलता हूँ उसको। और ये एक धर्म में क्यों लेके जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक धर्म का जो राज है ना वो ये है, यहाँ का जो राजा था उसने फैसला किया था कि ये जो बोट चलेगी हमेशा ज़िंदगी भर सिर्फ एक धर्म में ही चलेगी, इससे ऊपर इसका चार्ज नहीं होगा कभी भी। तो ये उनका फैसला था जो कि आज भी लागू है, और बोट की सवारी आप सिर्फ एक धर्म में कर सकते हो। कितनी बढ़िया चीज़ है यार। अच्छा और दुबई पहुँच गए भाई हम लोग ना, ये देखो बोट इधर है इधर।
बोट में तो हम लोग बैठ गए। अभी यहाँ से कितना दूर है वो ऑफिस का? यहाँ से कितने पास में? नज़दीक है, 5 मिनट है इधर से। ऐसा हाइक करते हैं ज़्यादा बाइक खुला एक देखो। दोस्तों बर्दुबाई पहुंच चुके हैं अभी हम, जस्ट अभी अभी उतरे हैं ये पीछे वाली नाव से और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इधर क्या है भाई जान? तो मछली है, मैं दिखाया ना, देखो भाई मछली है। ये उछूता है ना नीचे, बहुत बारा बारा है भाई मालूम है। अभी हम चलते हैं उसके एजेंट के पास भाई। तेरा देखते है ना, तेरा वीडियो अगर पसंद आएगा लाजिम भाईजान लाइक डालेगा, ये सोच मत। अच्छा ऐसा भी है? हाँ क्यों ऐसे भाईजान, हरकत बरकत है भाईजान, हरकत करेगा तो अल्लाह देगा बरकत। अच्छा से वीडियो करो, हरकत बरकत है उसमें कुछ। मैं बार दुबई पूरा मटेरियल क्या बोलते हैं, मटेरियल कपड़ा कपड़ा पूरा कपड़ा का ऑनलाइन बार दुबई। हाँ पूरा कपड़े का पूरा बार दुबई है भाई। ये देखो यार ये घर देखो, ये ना इधर से ईरान जाएगा, यूरोप जाएगा, उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान, सारा कपड़ा इधर से जाएगा, दुबई से जाएगा भाई जान। ये सब जो घर बने हुए हैं ना ये बहुत पुराने हैं, मतलब लोग यहाँ रहते थे काफ़ी टाइम पहले, अभी तो सब रेंट पे दिया हुआ है। ऐसा मुझे बनाया था जब मैं यहाँ पर चाय पी रहा था बैठ के, तो ये पुराने घर हैं, यहाँ पर शेख रहते थे, अभी उन्होंने खाली कर दिया, सब रेंट पर चढ़ा हुआ है। पता नहीं किधर भाग गया यार, तेज स्पीड में भाग गया इधर से, नहीं इधर भी नहीं है भाई, बिना रुके चलता ही चला गया, भागा भाग रोड क्रॉस कर रहा है इधर से उधर, अलग ही टेंशन में भागता जा रहा है, क्या करे भाई। अभी भाई मैं जल्दी जल्दी आ रहा था, तू इधर से उधर भागता हुआ चला गया, पता भी नहीं पड़ी यार। हाँ मिल गया भाई, मिल गया। मैं उधर से आ रहा हूँ पीछे से जल्दी, तो पीछे एक आदमी मिल गया, बोला तुम्हारा पेट है ऐसा पाउडर बचाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, उधर झाँक के देखा ना इधर गया ना इधर गया, मालूम नहीं पड़ा तुम किधर गया। मैं इधर अभी जागा कितना फोन में? हाँ टेलीफोन में पैसा है, मुश्किल नहीं है। 30 मिनट है अभी, 25 मिनट बच रहा है मेरा, 20 मिनट बच रहा है अभी। इधर टेलीफोन बहुत महंगा है भाई, 50 दरहम लेते हैं, 30 मिनट लेते हैं हाथ में भाई बात करने के लिए यार। देखिए हिंदुस्तान में बहुत सस्ता है, क्यों नेट सस्ता नहीं, नेट सस्ता है हिंदुस्तान में। कितना रुपए नहीं हिंदुस्तान में अगर तुम लेकिन $20 वो सॉरी $2 में एक महीना इंटरनेट और कॉलिंग फ्री। अच्छा है $2 में कि मेरा यहाँ का बोला हिंदुस्तान का इंटरनेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कॉल भी बहुत अच्छा है, दुबई से अच्छा ही बोला। हाँ $2 में एक महीना फ्री, मतलब $2 में एक महीना फ्री इंटरनेट फ्री कॉलिंग, बताओ इसको फ्री रोज 1 GB 2 GB मिलेगा $2 में, बहुत अच्छा। मुश्किल है नहीं $2 क्या है? कुछ भी नहीं है $2। ये कौन सी जगह आ गए भाई हम? हाँ भाई ना चल, क्या हुआ क्या बोल रहा है? आ गया। तो भाई हम तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं और वो बंदा अभी तक नहीं आया जिसको कि इसने अपना पासपोर्ट वगैरह दिया हुआ है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वो बैठा मेरे पीछे बेचारा, अभी देखते हैं क्या होता है, कितनी देर में वो बंदा आता है पासपोर्ट लेके इसका देता है, पेनल्टी लगाता है सॉरी पैसे काटता है, एक्स्ट्रा कुछ पैसे लेता है देने के नहीं लेता, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि दुबई में आओ ना तो ये एजेंट से ना सावधान रहना, क्योंकि एजेंट जो होते हैं ना तिकड़मबाजी बहुत करते हैं भाई तुम्हारे साथ ना, बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी करेंगे, टोपी घुमा देंगे तुम्हारी, सारा पैसा लेके बैठ देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है भाई, कोई जानकार हो तब भी किसी के हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए, वरना तो रिस्की हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है भाई, बाद में ढूंढते रह जाते हैं हम। जैसे कि अभी हमें 2 घंटे हो गए भाई,
रूम से निकले हुए, वो इधर बुलाया, यहाँ बैठे पड़े हैं। अरे चलना ऊपर, अभी हो गया सर, मेट्रो में जाएगा, मुश्किल नहीं है सीधा। दे दो मास्क। अरे नहीं अभी ज़रूरत नहीं है मेरा, दे। ठीक है तो भाई इसका पासपोर्ट भी मिल गया, ये रहा, ये फॉर्म भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खुश है? अभी खुश है भाई जान। अभी खुश है ना? अभी मुश्किल नहीं? हाँ अभी जाने का था खलास। ठीक है तो इसका पासपोर्ट भी आ गया और इसका वीज़ा भी लग गया यहाँ का 2 साल का। तो हुआ क्या, एजेंट आया तकरीबन, और जब 3 से 3.5 घंटे में एजेंट आया, उसके बाद क्या हुआ, इसके हाथ में पासपोर्ट दिया और ये फॉर्म इस पर लगा के दे दिया। ये तजिकिस्तान का पासपोर्ट है, ये फॉर्म लगा के दे दिया। उसके बाद बोला कि एयरपोर्ट जाओ इमिग्रेशन पे, वहाँ जाने के बाद तुम उनसे स्टैंप लगवा लेना, वीज़े की स्टैंप तुम्हें लगा के दे देंगे वो 2 साल की। जैसे कि मैं बता रहा था, फिर हम आए भाई टर्मिनल 3 दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई एयरपोर्ट पर आने के बाद एक इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए, ठीक है। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इसको वापस भेज दिया, वापस भेज दिया। इसकी भी समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा गया मेरे को लेके, ना इसको सही से हिंदी आती है और ना इंग्लिश आती है। फिर मेरे को दोबारा लेके गया, ये कह रहा भाई तुम चलो। मैं रिक्वेस्ट करके उनके पास से अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने बोला, तो उसने बोला इसका अभी मैसेज वगैरह या ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है वीज़ा के लिए। तो ठीक है, फिर इसके एजेंट को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों लफड़ा कर रहा है तू, फटाफट कर, हम यहाँ बैठे पड़े, इसको कल अर्जेंटली जाना है। अभी क्या हुआ, एजेंट ने करा, एजेंट ने एक मैसेज भेजा अपने पास, वो मैसेज हमने दिखाया, और दिखाने के बाद उसने क्या काम करा, वीज़ा ऑफिसर ने इसके पासपोर्ट पे फटाफट वीज़ा लगा के दे दिया। तो फिर इस भाई का वीज़ा लग गया, अभी ये खुश है, अभी मज़े में एकदम, मुश्किल नहीं है। अभी ये दुबई से अपने कंट्री कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई वीज़ा नहीं लगेगा, मतलब अब ये भी इसकी होम कंट्री हो गई है, ऐसा इसके साथ हो गया है। तो ये सब सीन था भाई। मैं तो अभी भी कहूँगा कि बी वेयर ऑफ एजेंट्स, एजेंट से बच कर रहे हैं, ध्यान रखें, क्योंकि एजेंट बहुत लफड़ा करते हैं भाई, लास्ट मोमेंट पे फंसा देते हैं, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगते हैं भाई। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है चलो, अभी इस वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।